वही एक टेम्पलेट को आप रट्टा लगा लो और पूरी की पूरी डिस्क्राइब इमेज में वही फॉलो कर दो। ऐसा नहीं है कि पाई चार्ट में अलग से करना पड़ेगा, टेबल चार्ट में के लिए अलग से करना पड़ेगा और पैराग्राफ के लिए अलग से। सत श्रीकाल जी सबनु, उम्मीद करता दोस्तों सारे ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज हम डिस्क्राइब इमेज पे बात करेंगे, डिस्क्राइब इमेज कैसे करनी होती है, क्या ट्रिक है इसकी। वैसे मैं आपके लिए हर वीडियो में ट्रिक लेकर आता हूँ कोई ना कोई, और लेकर आता ही रहूंगा। ऐसे ऐसे आपकी पीटी क्लियर करा दूंगा, पूरी टेंशन मत लो, कोई हेजिटेशन मत लो, माइंड पे प्रेशर मत बनाओ, बिल्कुल आराम से आपकी पीटी क्लियर हो जाएगी। सो आज हम डिस्क्राइब इमेज की बात कर रहे हैं दोस्तों। ये 15 नंबर की होती है, 15 नंबर के हमको 5 नंबर तो कंटेंट के होते हैं, 5 नंबर प्रोनाउंसिएशन के होते हैं और 5 नंबर होते हैं हमारे फ्लुएंसी पे। बहुत ज्यादा जरूरी है वैसे फ्लुएंसी, पहले वीडियो में भी बताया है, अपनी फ्लुएंसी पे और प्रोनाउंसिएशन पे कंट्रोल रखो, स्पीकिंग पूरी हो जाएगी। और कंटेंट होता है 5 नंबर का, कंटेंट यानी हम एज इट इज बोल रहे हैं, बिल्कुल जो हमको इमेज में दिखा दे रहा है, जो हमको वर्ड्स पूरे, मतलब आप फॉर एग्जांपल गर्ल वहां पे लिखा है कि द बॉयज आर प्लेइंग, हमने बोल दिया द गर्ल्स आर प्लेइंग, हमने मॉडिफाई कर दिया अपनी तरफ से, तो आपके कंटेंट में स्कोर जाएंगे। आपने बोलना है बिल्कुल द बॉयज आर प्लेइंग, सेम एज इट इज बोलना है आपको। दूसरा रहा प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन में डज नॉट आ गया, आपने बोल दिया डजंट, डज नॉट को डज नॉट ही बोलना है, डजंट नहीं बोलना, अपनी तरफ से मॉडिफाई नहीं करना, ये होगा प्रोनाउंसिएशन। तीसरा आ गया हमारा फ्लुएंसी, फ्लुएंसी की स्पीड ना तो ज्यादा धीमी रखनी है, लो रखनी है, और ज्यादा ना ज्यादा फास्ट करनी है, और ना ज्यादा पहले से लो होकर होकर फिर आप फास्ट हो गए एकदम से फिर लो हो गए, ऐसा नहीं करना। एक स्पीड मेंटेन रखनी है, एक लय में चलना है। वो मैंने ओवरऑल फ्लुएंसी प्रोनाउंसिएशन में वीडियो बनाई हुई है, आप वहां पे देख सकते हो। ये 15 नंबर की होती है, ऐसे मत सोचना कि अगर 15 नंबर का डिस्क्राइब इमेज एक आ गया तो वहां पे तो 6-7 आते होते हैं, अगर 6-7 आ गए तो स्कोर 75 हो गए। दोस्तों 75 नहीं होते, स्पीकिंग में 300 स्कोर की स्पीकिंग आती होती है, वो अपने आप से सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली हमको स्कोर की वेटेज निकालकर आउट ऑफ 90 में से स्कोर देता है पूरी स्पीकिंग की। और डिस्क्राइब इमेज में दोस्तों, डिस्क्राइब इमेज ना तो रीडिंग में जाए स्कोर आपके और ना ही राइटिंग में जाते हैं, डिस्क्राइब इमेज स्कोर पूरे के पूरे स्पीकिंग में रहते होते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको 15 नंबर के 6-7 आ जाएंगे, वैसे तो 16 नवंबर के बाद तो उन्होंने 4-5 ही कर देने हैं। 16 नवंबर कोई भी टेस्ट भरता है, कोई मेरा स्टूडेंट्स या मेरा फ्रेंड लगा लो, कोई भी भरता है तो फिल पेपर करता है तो उसको 4-5 ही आएंगे, मतलब पेपर एग्जाम उसका इजी हो जाएगा। कई मेरे से पूछ भी रहे थे कमेंट में कि भाई 16 नवंबर के बाद टफ होगा या इजी, भाई ये इजी होगा, 3 घंटे का था पहले, अब 2 घंटे का कर देंगे ये। सो उम्मीद मेरी तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप 16 नवंबर के बाद का एग्जाम भरो। टेम्पलेट ये रहा आपके सामने, इसको रीड कर लो। अगर आप वीडियो को ना पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो उसका, अगर स्क्रीनशॉट नहीं भी क्लियर आ रहा तो मेरे को आप इंस्टा पे मैसेज करो, मैसेज में लिखो आप पीटी डिस्क्राइब इमेज का मेरे को मैसेज कर दो और मैं अपने आपको पीडीएफ फाइल सेंड कर दूंगा, वह ओरिजिनल फाइल होती है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेंगे थोड़े मोटे पिक्सल फटेंगे, आपको क्लियर शायद समझ आए या ना आए, बाकी आपको नहीं भी आया तो मेरे को मैसेज कर दो, मैं आपको सेंड कर दूंगा पीडीएफ डिस्क्राइब इमेज की। और करना कैसे है, इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये मैं आपको बताऊंगा लैपटॉप में चलते हैं। तो भाई हम लैंग्वेज अकेडमी साइट पे पहुंच चुके हैं, आपको मैं बार बार लैंग्वेज अकेडमी साइट क्यों रेकमेंड करता हूं, क्योंकि एक तो हम इस पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं पूरी पीटी की, और दूसरा हम इस पे स्कोर जजमेंट कर सकते हैं कि हम किस किस स्कोर पे स्टैंड कर रहे हैं, हमारा कितना कितना स्कोर आ रहा है। चलो हम देखते हैं आज का टेम्पलेट, ये कैसे टेम्पलेट को फॉलो करना है। अब हमारे सामने एक बार ग्राफ है, पॉपुलेशन का बार ग्राफ, उसमें ये टेम्पलेट कैसे फॉलो करना है ये आप देखो। साइड में एक टेम्पलेट आपको आप देख ही रहे होंगे, इस टेम्पलेट का देखो सबसे पहले इंट्रो है, इंट्रो वर्ड को नहीं बोलना, ये तो वैसे ही डाला हुआ है, इंट्रो बॉडी पैराग्राफ और उसके बाद कंक्लूजन, ये 3 वर्ड आपने नहीं बोलने, ये तो मैंने वैसे ही डाला हुआ है कि टेम्पलेट इजिली समझ आ जाए। उसके बाद हमने स्टार्ट करना है द इमेज से, द इमेज इन फ्रंट ऑफ मी लुक्स इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग, लेट मी टेक ए क्लोजर लुक एंड बाय लुकिंग क्लोजली आई कैन सी इट इज के बाद देखो बार ग्राफ भी है, पाई चार्ट भी है और लाइफ साइकिल भी है। ये हर एक टेम्पलेट में एक डिस्क्राइब इमेज में फॉलो होगा, बेचिंत होकर आप इसको हर एक इमेज में फॉलो कर सकते हो, चाहे कि वो पाई चार्ट हो, चाहे वो टेबल चार्ट हो और चाहे वो बार ग्राफ हो। अब हमारे सामने बार ग्राफ है, सो मैं क्लोजली के बाद आई कैन सी इट इज ए बायोग्राफ बोल दूंगा। आपके सामने कोई भी आए, पाई चार्ट आए, बायोग्राफ आए या लाइफ साइकिल आए, उसमें से एक उठा लेना है आपने, जो आपको लगे कि ये बार चार्ट है और बार चार्ट दे दो उसको नाम, अगर आपको लगे कि ये पाई चार्ट और पाई चार्ट दे दो। उसके बाद हमारा बॉडी पैराग्राफ शुरू होता है,
बॉडी पैराग्राफ द हेडिंग इज प्रोवाइडेड ऑन द टॉप ऑफ द पिक्चर इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंग्लैंड। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंग्लैंड को हमने बोलना है, जैसे ये देखो जो स्क्रीन पे दिया हुआ है ये पैराग्राफ, उसकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट की जगह पे हमको पॉपुलेशन वर्ड को बोलना है। पॉपुलेशन वर्ड आ गया, उसके बाद आ गया देर आर सम वर्ड्स इन दिस पिक्चर नेम, डॉक्टर डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री एंड मास्टर्स डिग्री, इसको नहीं बोलना है। ये तो मैंने वैसे ही एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है। ये देखो पैराग्राफ में पॉपुलेशन के बाद नीचे दिए गए हैं हमको बीच डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स, इसकी जगह पे हम ये बोलेंगे। और उसके बाद कंक्लूजन में देखो बिल्कुल एंड पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंग्लैंड, इसके बाद ये फिर आ गया ऊपर का हेडिंग, इसमें हम पॉपुलेशन बोल देंगे। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ, एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं, आप ध्यान से सुनिए मेरे को मैं क्या क्या चीज मॉडिफाई करता हूँ और क्या क्या बोलता हूँ। ये वैसे ये टेम्पलेट में आपको जो मैंने दिया है बारग्राफ पाई चार्ट, सिर्फ इसको मॉडिफाई करना है, बाकी सारा का सारा आपने रट्टा लगा लेना है। सेम एज इट इज हर एक डिस्क्राइब इमेज में फॉलो कर दो, आराम से स्कोर आ जाएंगे। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल लेके, 25 सेकंड स्टार्ट हो गए, इसमें मैं इन्हें प्रिपेयर कर लूंगा कि हमारे पास एक तो पॉपुलेशन है और बियल्स डॉल्फिन्स व्हेल्स वर्ड है, दूसरा हम ये इसको ये है हमारे सामने बारग्राफ और नंबर्स में दी गए हैं 20, 40 एंड 60। टाइम पूरा होता जा रहा है, इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा, आराम से आप सुनिए मेरे को क्या 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 मैं मॉडिफाई किया है। टेम्पलेट भी साइड बाय साइड देखो। द इमेज इन फ्रंट ऑफ वी लुक्स इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग, लेट मी टेक ए क्लोजर लुक एंड बाय लुकिंग क्लोजली आई कैन सी इट इज ए बारग्राफ। द हेडिंग इज प्रोवाइडेड ऑन द टॉप ऑफ द पिक्चर इज पॉपुलेशन। There are some numbers in this picture which are bears, dolphins and whales. There are some numbers in this picture such as 20, 40 and 60. Overall, it can be concluded that this image is having crucial information about the topic, strongly supported by the important facts and figures and have a great impact on population. उम्मीद है आपने ध्यान से सुना होगा कैसे मैंने modify किया हुआ है। इसके बाद एक हम और example लेके देख लेते हैं। सो देखो अगर आपको इस तरह का कोई भी डिस्क्राइब इमेज आ जाए वाटर साइकिल वाला, उसमें बीच में हम क्या करेंगे क्या बोलेंगे, आपने सारा का सारा सेम बोलना है। मैं आपको बोल के भी दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या मॉडिफाई किया है और क्या क्या नहीं। पहले हम हमारे सेकंड खत्म होने वाले हैं। The image in front of me looks interesting and fascinating. Let me take a closer look and by looking closely I can see it is a water cycle. The heading is provided on the top of the picture is water cycle. There are some words in this picture which are consideration, ground water, surface and runoff. There are some numbers in this picture such as evaporation from oceans, lakes and streams and transportation from plants. Overall, it can be concluded that this image is having crucial information about the topic, strongly supported by the important facts and figures and have a great impact on water cycle. और एक बार टेम्पलेट देखो, इंट्रो में लिखा हुआ है द इमेज इन फ्रंट ऑफ मी लुक्स इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग, लेट मी टेक ए क्लोजर लुक एंड बाय लुकिंग क्लोजली आई कैन सी इट इज ए, ये वाटर साइकिल था, मैंने वाटर साइकिल बोल दिया। बॉडी पैराग्राफ देखो, द हेडिंग इज प्रोवाइडेड ऑन द टॉप ऑफ द पिक्चर, हेडिंग मेरे सामने वाटर साइकिल ही थी, वाटर साइकिल ही हेडिंग को नाम दे दिया। उसके बाद देर आर सम वर्ड्स इन दिस पिक्चर विच आर, मैंने दो दो तीन तीन वर्ड उठा ले जैसे कंसीडेशन, ग्राउंड वाटर एंड सरफेस रन ऑफ। उसके बाद देर आर सम वर्ड्स इन दिस पिक्चर, ये तो हो गया। उसके बाद देर आर सम नंबर्स इन दिस पिक्चर सच एज, फिर मैंने दो से तीन वर्ड उठा लिए, ट्रांसपीरेशन फ्रॉम प्लांट्स, इवेपोरेशन फ्रॉम ओशंस, लेक्स एंड स्ट्रीम्स। ये मत सोचना कि यहाँ पे टेम्पलेट में तो दिया गया हुआ है नंबर्स, मतलब नंबर्स की जगह मैंने वर्ड्स कैसे उठा लिए, क्योंकि वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर होगा उसने सॉफ्टवेयर में सिर्फ हमको हमकी कीवर्ड्स चेक करनी है कि जो ह्यूमन कीवर्ड्स बोल रहा है, यूजर कीवर्ड बोल रहा है वो सही है, मैच कर रही है या नहीं। उन्होंने ये नहीं चेक करना कि ये नंबर बोल गया तो उसके बाद नंबर क्यों नहीं बोले, मैथमेटिक्स से ये वर्ड्स कैसे बोल गया, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं चेक करना उन्होंने। जस्ट आप ये टेम्पलेट को रट्टा लगा लो और रट्टा लगा के वहाँ पे पेस्ट कर दो बस, जो जो मैंने मॉडिफाई किया है और मैं आपको बता भी रहा हूँ। उसके बाद कंक्लूजन आ जाता है, कंक्लूजन में देखो, ओवरऑल इट कैन बी कंक्लूडेड, तो सारा टेम्पलेट एज इट इज ही रहेगा। जो एंड में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंग्लैंड देखा है, हेडिंग दी है, वो हेडिंग आप वही बोल दो वाटर साइकिल, क्योंकि वाटर साइकिल ही दी है हमको हेडिंग। उसके बाद एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं।
आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ये देखो मेरे सामने है लाइन ग्राफ, 21:20 टाइम स्टार्ट हुआ है इधर से, और टेम्पलेट भी आप देखो कैसे कैसे मैं मॉडिफाई करूंगा। हेडिंग हमको दी हुई है फूड प्राइस विज ऑयल प्राइस, और नंबर्स मैं बोल दूंगा 11 से 2000, 11 2001, 11 2002, तीन नंबर बोलूंगा। वर्ड्स में बोल दूंगा ऑयल प्राइस फूड प्राइस इंडेक्स। द इमेज इन फ्रंट ऑफ मी लुक्स इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग, लेट मी टेक ए क्लोजर लुक एंड बाय लुकिंग क्लोजली आई कैन सी इट इज ए लाइन ग्राफ। देर द हेडिंग इज प्रोवाइडेड ऑन द टॉप ऑफ द पिक्चर इज फूड प्राइस विज ऑयल प्राइस। देर आर सम वर्ड्स इन दिस पिक्चर विच आर नेमली ऑयल प्राइस एंड फूड प्राइस इंडेक्स। देर आर सम नंबर्स इन दिस पिक्चर सच एज 11 2000, 11 2001, 11 2002। ओवरऑल इट कैन बी कंक्लूडेड दैट दिस इमेज इज हैविंग क्रूशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक स्ट्रॉन्गली सपोर्टेड बाय द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड हैव ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन फूड प्राइस विज ऑयल प्राइस। उसके बाद हमको स्टॉप कर देना है, वहां पर भी रियल एग्जाम में आपको स्टॉप करके, स्टॉप करने के बाद ही आपने सबमिट कर देना है। अगर आप ज्यादा टाइम लगा दोगे सबमिट करने के लिए तो आपके स्कोर काटने के चांस ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर को लगेगा कि ये चुप हो गया, उसके बाद कुछ नहीं किया, टाइम पूरा हो गया, इसलिए आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करने से आपको सॉफ्टवेयर को नहीं लगेगा कि ये चुप हो गया, मतलब इसने अपने आप सबमिट किया है। 35 सेकंड का मैंने देखो बोल दिया, 30 से 35 सेकंड का बोल दो एज इट इज बिल्कुल सही है, वहां पे भी 30 से 35 सेकंड ही बोलना पड़ता है। ये मैं सबमिट भी कर दूंगा, सबमिट देख कर करने के बाद आप मेरे स्कोर भी देख सकते हो नीचे। कंटेंट में 5 में से 5, फ्लुएंसी 5 में से 5, और प्रोनाउंसिएशन 5 में से 4.80.2 कुछ है, आप ये भी देख सकते हो। एक एग्जांपल और ले देते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं 22 सेकंड्स। टेम्पलेट भी देखो साथ में, अगर हमारे सामने कहीं कोई मैप चार्ट, ये मैप चार्ट है वैसे, मैप चार्ट जैसी कोई भी इमेज आ जाए तो उसको कैसे बोलना है मैं आपको बोल के दिखाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे को, ठीक है। टाइम पूरा हो गया। द इमेज इन फ्रंट ऑफ मी लुक्स इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग, लेट मी टेक ए क्लोजर लुक एंड बाय लुकिंग क्लोजली आई कैन सी इट इज ए मैप चार्ट। The heading is provided on the top of the picture is Switzerland languages. There are some words in this picture which are German, French and Italian. There are some numbers in this picture such as Romance, Italian and French. Overall, it can be concluded that this image is having crucial information about the topic, strongly supported by the important facts and figures and have a great impact on Switzerland and languages. तो देख सकते हैं मैंने कैसे मॉडिफाई कर दिया और कैसे बाकी का बाकी सेम एज रट्टा लगा के मैंने मॉडिफाई किया है। बस जहाँ जहाँ पे मॉडिफाई किया है वहाँ वहाँ पे आप देख सकते हो। ऐसा मत सोचना कि ये इसमें नंबर तो है नहीं, नंबर के बाद मैंने वर्ड्स बोल दिए जर्मन, फ्रेंच और रोमांच, ऐसा नहीं होता। मैंने पहले भी आपको बताया कि सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ हमको कीवर्ड देखेगा, कीवर्ड मैच हो रहे हैं तो वो स्कोर दे देगा, वो ये नहीं देखेगा कि इसने वर्ड्स बोले हैं या नंबर बोले हैं। एक एग्जांपल और लेके देख देते हैं, हमारे सामने एक और बार ग्राफ आ गया सेल्स बाय क्वार्टर, हेडिंग होगी सेल्स बाय क्वार्टर और वर्ड्स हो गए प्रोडक्ट जेड, प्रोडक्ट वाई, नंबर्स ले लूंगा मैं 3000, 9000, 15000, ईयर है 2004। बस और कुछ नहीं देखना, यही चीजें देखनी होती हैं। साइड में टेम्पलेट देखो और मेरे को सुनो मैं कैसे मॉडिफाई किया करूंगा। द इमेज इन फ्रंट ऑफ मी लुक्स इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग, Let me take a closer look and by looking closely I can see it is a bar graph. The heading is provided on the top of the picture is sales by quarter. There are some words in this picture which are product Z, product B or product X. There are some numbers in this picture which are 3000 and 9000 and 15000 in dollars. Overall it can be concluded that this image is having crucial information about the topic. Strongly supported by the important facts and figures and have a great impact on sales by quarter. उम्मीद करता हूँ आपको मेरी भी एग्जाम्पल, मैंने 4-5 एग्जाम्पल दे दी, वैसे ऐसे ऐसे आपको बोलना बोल वहां पे भी आप ऐसी बोल के आना है। वही एक टेम्पलेट को आप रट्टा लगा लो और पूरी की पूरी डिस्क्राइब इमेज में वही फॉलो कर दो। ऐसा नहीं है कि पाई चार्ट में अलग से करना पड़ेगा, टेबल चार्ट में के लिए अलग से करना पड़ेगा और बारग्राफ के लिए अलग से। हर एक इमेज के लिए एक ही टेम्पलेट है, उसको रट्टा लगा के बस वहां पे चिपकाना है और कुछ नहीं करना।
और ये भी मत सोचना अगर हम एक ही टेम्पलेट हर एक इमेज में कवर फॉलो करेंगे तो हमारे स्कोर काटे जाएंगे। स्कोर नहीं काटे जाएंगे आपके, स्कोर आपके अच्छी आएंगे, क्योंकि वो उनको ये नहीं चाहिए कि आप टेम्पलेट हर एक इमेज में क्यों यूज कर रहे हो। उसको सिर्फ आपकी कंटेंट प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी पे मतलब है सॉफ्टवेयर को, और कुछ नहीं है। इसके बाद वीडियो भाई रिटेल लेक्चर पे अपलोड होगी। कई दोस्तों को बहुत सबर है मतलब रिटेल लेक्चर का कि भाई जल्दी से समझाओ, जल्दी सारी वीडियो बनाओ, हमका एग्जाम है ये वो। तो दोस्तों उनको मैं कहना चाहता हूँ आपका सबर खत्म होगा, इसके बाद रिटेल लेक्चर पे ही वीडियो आएगी। अगर इसके बाद हम स्पीकिंग की पूरी सीरीज को क्लोज करके उसके बाद लिसनिंग स्टार्ट करेंगे। लिसनिंग में भी बहुत सारे ट्रिक्स है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तब तक मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए ताकि आप जैसे और स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। थैंक यू।